हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शोम तिवारी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बायजराइट के। आज की वीडियो में फ्रेंड हम कर रहे हैं गेमिंग पीसी बिल्ड। यहाँ पर फ्रेंड जो मैंने पहले एक बजट सेलेक्ट किया हुआ था वो 50K था, लेकिन फ्रेंड यहाँ पे हमने पोलिंग भी रखी हुई थी। आप देख सकते हो हमारी कम्युनिटी पे कि यहाँ पे फ्रेंड मैंने पोल रखा हुआ था कि यदि आप एक गेमिंग पीसी बिल्ड कर रहा हूँ मैं 50K का, तो आप कौन से प्रोसेसर पे आप पसंद करते हो कि मैं इंटेल बेस बनाऊँ या फिर एक AMD बेस पीसी को बिल्ड करूं। तो यहाँ पे फ्रेंड जो रिजल्ट रहा वो 50-50 रहा कि यहाँ पे फ्रेंड्स आधे लोगों ने कहा कि मैं AMD की देखना चाहता हूँ, आधे लोगों ने कहा इंटेल को देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड हम दोनों ही पीसी को बिल्ड करेंगे, हम इंटेल भी बिल्ड करेंगे और हम AMD भी बिल्ड करेंगे। इस वीडियो में हम कर रहे हैं एक इंटेल बेस पीसी बिल्ड। यहाँ पे फ्रेंड जो बजट था 50K उसको मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज किया हुआ है। यहाँ पे मैंने बजट 60K रखा हुआ है क्योंकि 50K बजट इंटेल पे ऐसा बजट हो, यदि फ्रेंड आप i3 8th जनरेशन पे बिल्ड करोगे तब भी आपको थोड़ा बहुत पैसा बच जाता है कि यहाँ पे फ्रेंड आप एक i3 पे बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस, लेकिन वो परफॉर्मेंस देखने नहीं मिलती आपको 50K वाली। कि यदि फ्रेंड आपको वैल्यू फॉर मनी प्रोसेसर बिल्ड करना है ना, तो यहाँ पे फ्रेंड आपको i5 8th जनरेशन को यूज करना होगा। यहाँ पे फ्रेंड आपको गेमिंग पे, स्ट्रीमिंग पे, आपको हर एक चीज पे बहुत ही अच्छी एक्सट्रीम लेवल की प्रोसेसिंग भी देखने यहाँ पे मिलेगी। तो इसलिए फ्रेंड यहाँ पे मैंने बजट को 50K से 60K शिफ्ट किया हुआ है, जिससे फ्रेंड यहाँ पे हमें प्रोसेसर और मदरबोर्ड पे, हमें ग्राफिक कार्ड पे, हमें बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस भी देखने मिलेगी। यहाँ पे फ्रेंड हमने i5 8th जनरेशन का PC बिल्ड किया हुआ है जो कि सारे गेम्स को हाई सेटिंग पे प्ले कर सकता है। तो यदि फ्रेंड आप इन सभी कंपोनेंट को जानना चाहते हैं तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखें। सबसे पहले फ्रेंड यहाँ पे हम बात कर लेते हैं प्रोसेसर की। तो प्रोसेसर में फ्रेंड यहाँ पे मैंने इंटेल का i5 8th जनरेशन का 8400 यूज किया हुआ है। बात करते हैं फ्रेंड यहाँ पे हम इसके स्पेसिफिकेशन की। तो यहाँ पे फ्रेंड हमें i5 में 6 कोर 6 थ्रेड देखने मिल जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे बेस फ्रिक्वेंसी की बात करें तो 2.8 GHz की यहाँ पे फ्रेंड हमें बेस फ्रिक्वेंसी देखने मिल रही है और मैक्सिमम पे फ्रेंड ये 4.0 GHz तक चला जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे हमें 9 MB का स्मार्ट कैशे देखने मिल रहा है। और फ्रेंड यहाँ पे जो हमें 6 कोर और 6 थ्रेड देखने मिल रहे हैं ना, मतलब AMD के 6 कोर 12 थ्रेड और इंटेल के 6 कोर 6 थ्रेड बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होता है। AMD के कंपैरिजन में हमें इंटेल में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देखने मिलती है। चलिए फिर बात कर लेते हैं यहाँ पे हम इसके बेस फ्रिक्वेंसी की। तो 2.8 GHz की यहाँ पे फ्रेंड हमें बेस फ्रिक्वेंसी देखने मिलती है और बूस्टअप की बात करें तो यहाँ पे फ्रेंड हमें 4.0 की बूस्टअप की फ्रिक्वेंसी भी देखने मिल जाती है। 9 MB का स्मार्ट कैशे देखने मिलता है। मेमोरी साइज की बात करें तो यहाँ पे फ्रेंड हमें 64 GB की मेमोरी सपोर्टेड मिलता है, मतलब यहाँ पे फ्रेंड हम 64 GB तक की रैम को यूज कर सकते हैं। मेमोरी टाइप की बात करें तो DDR4 66 MHz तक की रैम को ये सपोर्ट करता है, मतलब यहाँ पे फ्रेंड हम 3000 MHz की रैम तक को यूज कर सकते हैं, जिसमें फ्रेंड यहाँ पे हमें रन टाइम पे बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस भी देखने मिलेगी। मेमोरी चैनल की बात करें तो यहाँ पे फ्रेंड ये प्रोसेसर है वो डुअल चैनल को सपोर्ट करता है। ग्राफिक्स की बात करें तो ग्राफिक्स फ्रेंड यहाँ पे भी हमें इंटेल के अल्ट्रा HD 630 ग्राफिक्स कार्ड ही देखने मिलते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड जो हमें प्रोसेसर मिला है एक बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है, 8th जनरेशन, मतलब जो हमारी लेटेस्ट जनरेशन चल रही है, मतलब अभी तो 9th जनरेशन ही आ गई है लेकिन 8th जनरेशन हम लेटेस्ट जनरेशन ही मान के चलते हैं कि ये बहुत ही लेटेस्ट जनरेशन का हमें प्रोसेसर देखने मिल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे फ्रेंड हमें स्पेसिफिकेशन भी बहुत ही अच्छी देखने मिल रहा है, 6 कोर 6 थ्रेड देखने मिल रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे हमें 9 MB का स्मार्ट कैशे देखने मिल रहा है। तो यहाँ पर हमें गेमिंग में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देखने मिलती है। तो यहाँ पर फ्रेंड हमने यूज किया हुआ है इंटेल का i5 8400 8th जनरेशन का प्रोसेसर। और फ्रेंड प्राइस की बात करें तो फ्रेंड Amazon भी ये 20,000 रुपए के अप्रोक्स में हमें देखने मिलता है। और साथ ही साथ यहाँ पे MD कंप्यूटर, एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है MD कंप्यूटर, जहाँ पे फ्रेंड हमें
बहुत से पार्ट बहुत ही कम रेंज में देखने मिल जाते हैं। तो यहाँ पर फिर हमें i5 8th जनरेशन देखने मिल जाता है 17,625 रुपए का, जो कि एक बहुत ही वैल्यू फॉर मनी प्रोसेसर है। तो यहाँ पर हमें इस बजट पे बहुत ही अच्छा प्रोसेसर देखने मिलता है। और यदि मार्केट की बात करें, यदि आप नेहरू प्लेस के पास रहते हो या फिर आपके आस पास एक बहुत ही अच्छा हार्डवेयर कंप्यूटर का शॉप है या फिर आप वहाँ पे मार्केट है, तो आप वहाँ पे ऑफलाइन मार्केट से भी परचेस कर सकते हो। ऑफलाइन मार्केट में फ्रेंड और भी ज्यादा आपको कम देखने मिलेगा, 16,500 रुपए तक में आसपास में आपको ये देखने मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं अपने अगले कंपोनेंट की ओर। तो यहाँ पे फ्रेंड जो हमारा अगला कंपोनेंट है वो है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में यहाँ पे फ्रेंड हमने सिलेक्ट किया हुआ है Asrock का Z370 चिपसेट वाला M Pro 4। चलिए फ्रेंड बात कर लेते हैं यहाँ पर हम इसके स्पेसिफिकेशन की, कि हमने यहाँ पर फ्रेंड Asrock का Z370 क्यों चॉइस किया हुआ है। सबसे पहले बात कर लेता हूँ, मैं तो सबसे पहले यहाँ पे नोटिस करता हूँ प्रोसेसर का सॉकेट है वो हमारे प्रोसेसर की जनरेशन को सपोर्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे फ्रेंड ये इस मदरबोर्ड में हमें इंटेल की 8 जनरेशन सपोर्टेड देखने मिल जाता है। सॉकेट की बात करें तो यहाँ पे फ्रेंड 1151 सॉकेट है इसका। साथ ही साथ यहाँ पे फ्रेंड हमें सिस्टम मेमोरी स्पेसिफिकेशन में यहाँ पे फ्रेंड डुअल चैनल DDR4 सपोर्टेड है, और मैक्सिमम सपोर्टेड DDR4 पे ये 4300 प्लस OC तक मेमोरी को सपोर्ट कर सकता है। तो यहाँ पे फ्रेंड तो इन फ्यूचर में यदि हमें 4000 की भी रैम आती है तो हम उनको बहुत ही आराम से लगा सकते हैं। और फिर मदरबोर्ड जो होता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे PC के लिए। क्यों? क्योंकि फ्रेंड हर एक कॉम्पोनेंट होता है वो एक मदरबोर्ड पे ही बिल्ड होता है। हर एक की परफॉर्मेंस का जो लेवल होता है, हर एक का रास्ता होता है, मदरबोर्ड से ही होके गुजरता है, चाहे वो प्रोसेसर हो, चाहे वो रैम हो, चाहे वो हमारी पावर सप्लाई ही क्यों ना हो। तो इसलिए फ्रेंड हमें यहाँ पे मदरबोर्ड बहुत ही अच्छा चॉइस करना होता है। और फ्रेंड गेमिंग में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप एक अच्छे मदरबोर्ड को चॉइस करें। साथ ही साथ यहाँ पर हम इसके चिपसेट की बात करें तो यहाँ पे फ्रेंड इंटेल का Z370 चिपसेट को यूज किया हुआ है, और साथ ही साथ यहाँ पे बहुत से फीचर्स हमें देखने मिल जाते हैं, जैसे यहाँ पे सपोर्टेड इंटेल UHD अल्ट्रा ग्राफिक, DirectX 12 सपोर्टेड। तो यहाँ पे फ्रेंड और भी हमें बहुत सारा स्पेसिफिकेशन देखने यहाँ पे मिल जाता है। चलिए इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड AMD कंप्यूटर में हमें ये देखने मिल रहा है 10,300 रुपए का। Amazon में फ्रेंड ये हमें 11,900 रुपए के देखने मिलता है। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं हम अपने अगले कंपोनेंट की ओर। तो जो हमारा अगला कंपोनेंट आता है वो आता है ग्राफिक कार्ड। कि यहाँ पे फ्रेंड हमने ग्राफिक कार्ड कौन सा सिलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे सभी लोग इस बजट पे तो 1050 Ti को ही सजेस्ट करते हैं। बट यदि आप एक i5 8 जनरेशन को बाय कर रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कम से कम आप 1060 3GB वाला एडिशन तो लो, क्योंकि आपको दोनों में ही आपको ग्राफिक्स में भी आपको बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देखने मिलेगी, और साथ ही साथ आपका प्रोसेसर तो बेस्ट है ही। बात करें फिर यहाँ पे हम अपने ग्राफिक कार्ड की, कि यहाँ पे फिर हमने कौन सा ग्राफिक कार्ड चॉइस किया हुआ है। तो यहाँ पे फिर हमने चॉइस किया हुआ है Zotac का GTX 1060 3GB वाला एडिशन AMP एडिशन। तो यहाँ पे फ्रेंड देखते हैं हमको कि AMP एडिशन में हमें यहाँ पे क्या क्या स्पेसिफिकेशन देखने मिल जाता है। सबसे पहले यहाँ पे फ्रेंड हम बात कर लेते हैं GPU कोर्स की, जिसको हम CUDA कोर्स भी कहते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड हमें 1152 के करीब CUDA कोर्स देखने मिल जाते हैं, जिसको फ्रेंड हम यहाँ पे प्रोसेसिंग कोर्स भी कहते हैं। बात करें फिर यहाँ पे हम इसके बेस फ्रिक्वेंसी की, तो यहाँ पे फ्रेंड हमें 1582 करीब मेगाहर्ट्ज़ की बेस फ्रिक्वेंसी देखने मिलती है, और बूस्ट में फ्रेंड ये हमें 1797 मेगाहर्ट्ज़ तक चला जाता है। मेमोरी क्लॉक की बात करें तो यहाँ पे फ्रेंड हमें 8000 मेगाहर्ट्ज़ की मेमोरी की स्पीड देखने मिल जाती है मेमोरी की क्लॉक वाइज। और यहाँ पे फ्रेंड मेमोरी साइज की बात करें तो यहाँ पे फ्रेंड हमें 3GB का डेडिकेटेड यहाँ पे हमें ग्राफिक कार्ड दिखने मिल रहा है। डुअल फैन पोर्ट की बात करें, 3X डिस्प्ले पोर्ट 1.4, HDMI 2.0 और DVL पोर्ट हमें यहाँ पे दिखने मिल जाता है। तो यहाँ पे फ्रेंड हमने ग्राफिक कार्ड भी 1060 चॉइस किया हुआ है। यदि फ्रेंड यहाँ पे हम बजट लेके चलते हैं 50,000 का, तो यहाँ पे फ्रेंड हम 1050 Ti को ही बाय कर पाते हैं, जिस यहाँ पे लेकिन हमें उतनी अच्छी
अच्छी परफॉर्मेंस देखने नहीं मिलती है जितनी अच्छी हमें यहाँ पे 1060i5 पे देखने मिल जाती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक 60K का PC बिल्ड कर रहे हो जब, तो आप 1060 3GB का कम से कम एडिशन लो, क्योंकि यहाँ पे फिर 1050 Ti के कंपैरिजन में ज्यादा हमें क्यूडा कोर्स भी देखने मिलता है और बेस और बूस्टर पे भी ज्यादा फ्रिक्वेंसी भी हमें देखने मिल जाती है। प्राइस की बात करें तो यहाँ पे फिर हमें AMD कंप्यूटर पे 16,299 रुपए का देखने मिल रहा है। Amazon की बात करें तो Amazon में फ्रंट थोड़ा सा हमें यहाँ पे कॉस्टली देखने मिलता है 20,395 रुपीज का। चलिए फ्रेंड बात करते हैं हम अपने अगले कंपोनेंट की ओर। अब बात करते हैं हम यहाँ पे स्टोरेज की कि स्टोरेज में हमने यहाँ पे क्या यूज किया हुआ है। तो यहाँ पे फ्रेंड मैं सजेस्ट करता हूँ आप SSD को बाय करें, क्योंकि जब आप एक 60K का PC बिल्ड कर रहे हो तो यहाँ पे फ्रेंड आप SSD को यूज करते हो, तभी आपको यहाँ पे वैल्यू फॉर मनी प्रोसेसिंग देखने मिलती है, परफॉर्मेंस भी देखने मिलती है। तो यहाँ पे फ्रेंड मैंने अडाटा की 240GB की SSD को यूज किया हुआ है, तो यहाँ पे फ्रेंड हमें 6GBPS की स्पीड भी देखने मिल जाती है। अडाटा एक बहुत ही अच्छी कंपनी है और SSD के मामले में सबसे लो प्राइस पे हमें बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस भी देखने मिल जाती है। तो यदि फ्रेंड आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को और गेमिंग को जब आप एक SSD पे रन करते हो तो आपको लैगिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छी देखने मिलती है, आपको स्पीड भी बहुत ही अच्छी देखने मिलती है, और आप हार्ड ड्राइव का यूज करोगे एज अ सेकेंड स्टोरेज डिवाइस के यूज पे आप कर सकते हो। मैं आपको बताऊंगा हार्ड डिस्क हमने कौन से यूज की हुई है। तो यहाँ पे फ्रेंड आप एक 240GB के SSD को भी बाय कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है जहां से फ्रेंड आप जाके इसके स्पेसिफिकेशन को चेक कर सकते हैं और बाय भी कर सकते हैं। जो हमारा फ्रेंड अगला कंपोनेंट आता है वो है रैम। रैम में फ्रेंड यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कॉर्सेयर वैनग्रीन शन LPX 8GB की DDR4 3000 मेगाहर्ट्ज की ले सकते हैं। प्रोसेसर भी हमारा 2666 मेगाहर्ट्ज की रैम को सपोर्ट करता है। मदरबोर्ड हमारा 4200 मेगाहर्ट्ज तक की रैम को सपोर्ट करता है, मतलब उसकी तो हमें टेंशन लेनी ही नहीं है। तो फ्रेंड यहाँ पे फ्रेंड गेमिंग में हमको बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देखने मिल जाएगी। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप 8GB की एक रैम को प्रेफर करें। यदि फ्रेंड आपको और भी अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए है तो आप एक 8GB की और रैम को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रेंड डुअल चैनल में आपको बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देखने मिलेगी गेमिंग में। प्राइस की बात करें तो यहाँ पे फ्रेंड हमें ये 4900 रुपए में देखने मिल जाती है AMD कंप्यूटर पे, और 4917 रुपए में देखने मिल जाती है हमको ये Amazon पे, और ऑफलाइन मार्केट पे भी ये हमें सेम इसी प्राइस पे देखने मिल जाती है। तो आप इसको भी बाय कर सकते हैं, और सभी प्रोडक्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन को चेक कर सकते हैं और बाय भी कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं अपने अगले कंपोनेंट की ओर। तो यहाँ पे फ्रेंड जो मैंने अगला कंपोनेंट सिलेक्ट किया हुआ है वो है हार्ड ड्राइव। यहाँ पे फ्रेंड हम कौन सी हार्ड ड्राइव का यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे फ्रेंड आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार हार्ड ड्राइव को यूज कर सकते हैं। यदि आपके रिक्वायरमेंट कम है तो आप 500GB को भी यूज कर सकते हैं, और यदि आप थोड़ा बहुत स्टोरेज के ऊपर रखते हैं तो आप 1TB को भी बाय कर सकते हैं। इस बजट में फ्रेंड हमने 1TB की कैवियर ब्लू वेस्टर्न डिजिटल की ली हुई है। सारे बिल्ड में मैं हार्ड डिस्क को वेस्टर्न डिजिटल ही प्रेफर करता हूँ। प्रोडक्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ से जाके स्पेसिफिकेशन को चेक भी कर सकते हैं और बाय भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पे पावर सप्लाई की, क्योंकि पावर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे कंपोनेंट्स के लिए, कि जितना अच्छा हम अपने कंपोनेंट्स को पावर देंगे उतनी ही अच्छी उनकी लॉन्ग लाइफ होती है। जैसे फ्रेंड यदि आप अपने सारे कंपोनेंट को एक अच्छा करंट प्रोवाइड करते हो, प्योर DC करंट प्रोवाइड करते हो, तो आपका जो कंपोनेंट है वो बहुत ही लॉन्ग लाइफ तक चलेगा, 4-5 साल तक आपके कंपोनेंट्स खराब नहीं होंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड हमने ली हुई है कॉर्सियर की VS550 जो कि Amazon चॉइस पे भी है, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड हमको बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस के साथ साथ इसका स्पेसिफिकेशन भी देखने मिलता है। सेफ्टी अप्रूव्ड है CE, CB, FCC और बहुत सी सेफ्टी को अप्रूव कर चुकी है, और 3 साल की हमें यहाँ पे मैन्युफैक्चर वारंटी भी देखने मिल जाती है। प्राइस की बात करें तो प्राइस में फ्रेंड यहाँ पे हमें 3508 रुपीज की देखने मिल जाती है Amazon पे। तो यहाँ पे फ्रेंड हमें पावर सप्लाई भी एक बहुत ही अच्छी देखने मिल रही है। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं हम अपने अगले कंपोनेंट की ओर। अब बात करते हैं फ्रेंड यहाँ पे कैबिनेट की। कैबिनेट में मैं ऑलवेज हमेशा हर पीसी, आप मेरी इतनी वीडियो डली है गेमिंग की सामने देख लो, मैंने सिर्फ सजेस्ट किया हुआ है कॉर्सेयर कार्बाइड सीरीज CC901150 मिड टावर स्टील गेमिंग केस, क्योंकि फ्रेंड यहाँ पे हमें इस बजट पे सबसे अच्छी परफॉर्मेंस देखने मिलती है। यहाँ पे फ्रेंड हमारे सारे कंपोनेंट को बहुत ही आराम से यहाँ पे हम माउंट कर सकते हैं, ग्राफिक कार्ड को लगाने में भी हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, और साथ ही साथ यहाँ पे कूलिंग सिस्टम में हमें यहाँ पे
बहुत ही अच्छा देखने मिलता है। फ्रंट टू फ्रंट यहाँ पे हमें देखने मिल जाती है USB 3.0 फास्ट डेटा ट्रांसफर वाले, साथ ही साथ यहाँ पे फ्रेंड हमें बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस भी देखने मिल जाती है। प्राइस की बात करें तो यहाँ पे फ्रेंड हमें 2,897 रुपीस यहाँ पे फ्रेंड हमें देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे फ्रेंड फाइनली ये हमारा एक PC बिल्ड होता है। यदि फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बाइजर आर्टकी को, जहाँ पे फ्रेंड आपको मिल जाती है गेमिंग और गैजेट से रिलेटेड बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left.